इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईदुल अज़हा की नमाज़ पढ़ने का आसान तरीका क्या है। प्यारे दोस्तों, चार लोग नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हैं, एक इमाम साहब, तीन लोग और। तो इमाम साहब नियत ऐसे करें, हे अल्लाह, मैं ईदुल अज़हा की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। पीछे वाले लोग ये नियत कर लें, हे अल्लाह, हम इमाम साहब के पीछे ईदुल अज़हा की नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये जो तरीका है नियत की, मैंने दो रकत नमाज ईदुल अज़हा की ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाहु अकबर कहकर इमाम साहब हाथ बांधेंगे, मुक्तदी हजरात भी हाथ बांध लेंगे। इमाम साहब सना पढ़ेंगे तो पीछे वाले लोग सना पढ़ेंगे। जब इमाम साहब सना पढ़ लेंगे तो अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे, मुक्तदी हजरात भी हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। दूसरी मरतबा इमाम साहब हाथ उठाकर छोड़ देंगे, तीसरी मरतबा हाथ उठाएंगे और नियत बांध लेंगे। फिर अलहम्दो शरीफ पढ़ेंगे और कोई भी एक सूरत जो याद हो वो पढ़ेंगे, मुक्तदी हजरात सिर्फ सुनेंगे। रुकू और सजदे मुकम्मल करेंगे, दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे। इमाम साहब अलहम्दो शरीफ पढ़ेंगे, एक सूरा पढ़ेंगे, फिर रुकू में न जाकर कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देंगे। दूसरी मरतबा हाथ उठाकर छोड़ देंगे, तीसरी मरतबा हाथ उठाकर छोड़ देंगे, चौथी मरतबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, बग़ैर हाथ उठाकर रुकू में चले जाना है। सजदे करेंगे आम नमाज की तरह, नमाज कंप्लीट करेंगे फिर दुआ कर लें। अब खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा पढ़ना सुन्नत है और इस तरह पढ़ें कि आप कुर्सी लगा लें और खुतबा दें। ईद की नमाज में अजान नहीं होती तो खुतबा इस तरह से पढ़ें। नौ मरतबा सबसे पहले अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ पढ़ेंगे, फिर तकबीर तशरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, फिर एक बार सूरह इखलास यानी कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ेंगे, फिर तकबीर तशरीफ पढ़ेंगे, फिर दरूद पाक पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिम पढ़ लें, फिर तकबीर तशरीफ पढ़ेंगे। एक बार खुतबा पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठ जाएँ, जो कुर्सी है उस पर आप बैठ जाइए, फिर दोबारा खड़े होकर सात बार अल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद आपको ये पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुर्री अन्फुसिना व मिन सय्याति आमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्लहु इल्ला मन युज़िल्लहु फला हादिया व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहु इबादिल्लाह रहिमकुल्ला इन्नल्लाहा यामुरुल बिल अहदी वल एहसान व इताह जिल कुर्बा व यनहा अनिल फशाह वल मुनकरी वल बगी यज़ुकुम लाकुम तस्करून व ज़कुरुल्लाहा यज़कुरु व अहु यस्तजिब लकुम व ला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। इस तरह से आप खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा आपका कंप्लीट होता है। अब आप अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाकर तमाम मुसलमानों की हिफाजत के लिए, तमाम मुसलमानों की तरक्की के लिए, परेशानियां दूर करने के लिए आप दुआ करें और फिर घर जाकर आप कुर्बानी करें। और जो साहिब निसाब है उसको कुर्बानी करना ज़रूरी है, अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो अल्लाह पाक की बारगाह में गुनाहगार होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस्लामिक वीडियोस कुर्बानी के मसाइल, हर तरह की नमाज का तरीका सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें।